हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिकी टेक इन गेमिंग के अंदर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अंडररेटेड स्मार्टफोन का रिव्यू। ये फोन है Realme GT Neo 3T और हमने इसे सेल के अंदर परचेज करा है। इसका नॉर्मल प्राइस 35,000 रहता है और हमने इसे परचेज करा है 22,800 रुपीज के अंदर। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जल्दी से मैं इस फोन के बॉक्स को ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ पेपर वर्क्स, एक सिम इजेक्टर पिन और एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलती है। फिर गाइस, आपको एक फोन देखने के लिए मिलता है। हमने येलो कलर ऑर्डर करा है और ये 6128 वाला है। आपको हायर वेरियंट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इस वेरिएंट को लोग सबसे ज्यादा परचेस करेंगे सेल के अंदर, तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। देखते हैं बॉक्स कंटेंट के अंदर क्या निकलता है। तो गाइज, आपको एक बैक केस देखने के लिए मिलता है, वही टिपिकल स्टाइल है, ट्रांसपेरेंट वाला, और क्वालिटी इसकी डिसेंट है। केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और केबल की इस बार लेंथ भी मुझे बड़ी लग रही है। और गाइज, आपको एक सुपर डार्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है जिसकी रेटिंग 85 वॉट है। गाइज, ये रही इसकी रेटिंग, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो गाइज, जल्दी से आते हैं सीधा अब हमारे फोन की तरफ। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन की। तो आपको इसके अंदर 8.6 mm की थिकनेस देखने के लिए मिलती है, 194 ग्राम्स का इसका वेट है। लेकिन गाइज, अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बैग देखने के लिए मिलता है और ये प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने के लिए मिलते हैं। मुझे इस प्राइस रेंज में ये उम्मीद नहीं थी Realme से। पर हाँ गाइज, आपको अगर आप ये बैक डिजाइन देखो तो आपको एक अलग सा टेक्सचर देखने के लिए मिलता है, ये रेसिंग स्टाइल इसे Realme बोलता है। आपको यहाँ पर एक रेसिंग का फ्लैग देखने के लिए मिलता है कैमरास के बीच में, और यहाँ पर आपको ये रेसिंग के फ्लैग वाला डिजाइन देखने के लिए मिलता है। और ये डिजाइन सिर्फ आपको दो कलर्स में देखने के लिए मिलता है, एक यही वाला येलो, एक व्हाइट, और ब्लैक आपको ग्लॉसी देखने के लिए मिलता है। सो गाइज, ये है एक इस फोन की पूरी क्लीन लुक। तो गाइज, अगर मैं आपसे फोन के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो आपको राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक पावर बटन देखने के लिए मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन देखने के लिए मिलता है। नीचे की साइड गाइस, आपको एक टाइप सी का पोर्ट, एक सिम ट्रे, एक माइक होल और एक डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का मेन स्पीकर देखने के लिए मिलता है। और गाइस, ऊपर की साइड पर आपको सेकेंडरी माइक मिलता है फॉर नॉइस कैंसिलेशन, और यहाँ पर आपको सेकेंडरी स्पीकर देखने के लिए मिलता है और ईयर पीस भी इसी के अंदर है। और अगर मैं फ्रंट से आपको बात करूँ तो फ्रंट में आपको सिर्फ एक यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा देखने के लिए मिलता है। गाइस, अब मैं बात करूंगा आपसे इस फोन के डिस्प्ले की। तो आपको इसके अंदर 6.62 इंचेस की एक सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन फुल HD है, 1980x1080p, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 1300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत होती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इस फोन के अंदर, और आपको DCI-P3 100% कलर गैमेट देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ज्यादा ऑसम है और बहुत स्मूथ ये फोन चलता है। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा आपसे इस फोन के सॉफ्टवेयर की। तो आपको इसके अंदर Realme UI 3.0 देखने के लिए मिलता है जो कि Android 12 पर बेस्ड है, लेकिन आपको इस फोन के अंदर दुनिया भर के ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस प्राइस रेंज में इतने सारे ब्लोटवेयर। आप इन्हें अनइंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन सारे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी कोई लैग, कोई जिटर, कोई ग्लिचेस मुझे देखने के लिए नहीं मिले हैं। काफी एक स्मूथ सा UI है, Realme UI वैसे भी कलर OS Realme ये क्लोज टू स्ट्रॉन्ग है, और अब तो OnePlus भी इसी के ऊपर चलता है। पर गाइस, Realme ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको 2 years तक OS अपडेट्स देंगे एंड 3 years तक सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स देंगे। इट मींस आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, साथ में आपको Android 13 एंड 14 तक का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल डिसेंट UI है। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा आपसे इस फोन के चिपसेट की। तो आपको इसके अंदर Qualcomm का Snapdragon 870 देखने के लिए मिलता है जो कि एक 5G चिपसेट है। ये काफी ही एक स्टेबल चिपसेट है जो कि हीट नहीं होती, 3.2 GHz की फ्रीक्वेंसी पर देखने के लिए मिलता है। Adreno 650 आपको GPU देखने के लिए मिलता है और ये एक ऑक्टा कोर CPU है गाइस। और ये रहे कुछ बेंचमार्किंग के रिजल्ट्स आपके सामने। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट कर रहे हैं और इसको हमने पूरे 15 मिनट तक टेस्ट किया था। और गाइस, 15 मिनट
अंदर ये फ़ोन हीट तो हुआ है, अब ये प्लास्टिक बैग की वजह से मुझे महसूस हो रहा है या फिर क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, लेकिन 870 हीट नहीं होता। मैंने 870 का मी 11X की अनबॉक्सिंग भी कर रखी है, अगर आपको वीडियो देखने तो मैं आपको आई कार्ड के अंदर लिंक दे रहा हूँ। इन दोनों फोन के कंपैरिजन के अंदर ये फोन जीतता है। गाइस नेक्स्ट बेंचमार्क जो किया है वो है Geekbench 5 और ये रहे उसके रिजल्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर। गाइस नेक्स्ट टेस्ट जो किया है वो है Antutu बेंचमार्क जिसका वर्जन है 9.4.4 और ये रहे इसके भी रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर। गाइस जो लास्ट टेस्ट है बेंचमार्किंग में वो है 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट और इसको भी हमने 20 टाइम्स तक चलाया है और ये रहा इसका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर। तो गाइस अब हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहली जो गेम है वो है एपेक्स लेजेंड्स और मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ एपेक्स लेजेंड्स की सेटिंग स्क्रीन पर। तो गाइस ये रही गेम की सेटिंग्स आपके सामने, आप इसे ओरिजिनल नॉर्मल तक, आप एक्सट्रीम HD वेरी हाई तक और अल्ट्रा फ्रेम रेट के लिए आपको इसे नॉर्मल पर सेट करना पड़ेगा। तो मेरे को फ्रेम रेट ज़्यादा चाहिए और मैं नॉर्मल पर ग्राफिक्स में खेल लूँगा, यहाँ से कन्फर्म करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इस गेम की परफॉर्मेंस। तो गाइस बिल्कुल बटरी स्मूथ अभी तक तो परफॉर्मेंस आ रही है, काफ़ी सही इसके अंदर गेम प्ले हो रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है कंसिस्टेंट 60 FPS आ रहे हैं। सो गाइस अब जो नेक्स्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ये ग्राफिक सेटिंग्स आपके सामने, मैंने सब कुछ बिल्कुल वेरी हाई और मैक्स पर सेट कर दिया है और कोई भी सेटिंग आप देख सकते हो कि ऑफ नहीं है। देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। सो गाइस अब जो नेक्स्ट और लास्ट गेम आप देख रहे हो वो है Genshin Impact। ये पूरे 16 GB की गेम है और अगर 870 ने इसे हैंडल कर लिया तो समझ लो हर एक गेम को हैंडल कर लिया। हमने इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी को बिल्कुल हाईएस्ट पर सेट करा है और यहाँ पर फ्रेम रेट को 60 पर सेट करा है, यानी मैक्स आउट सेटिंग्स हैं बिल्कुल। और ये रहा गेम प्ले। सो गाइस कोई जिटर, कोई लैग, कोई ग्लिच मुझे तो दिखाई नहीं दिया, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले है। ये एक 16 GB गेम है तो ये इतनी स्मूथ चल रही है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ आपसे इस फोन की रैम और स्टोरेज की। तो आपको इसके अंदर 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। आपको दो और वेरियंट मिलेंगे जिसमें 8128 और 12256 भी देखने के लिए मिलता है। और गाइस रैम आपको LPDDR4X देखने के लिए मिलती है और आप सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन के अंदर जाके यहाँ पर रैम पर क्लिक करके आप इसके अंदर रैम को एक्सपैंड भी कर सकते हो अराउंड 5 GB तक। एंड स्टोरेज आपको UFS 3.1 देखने के लिए मिलती है जिसके रीड एंड राइट स्पीड बहुत तेज है, यह रहे इसके रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर। गाइस अब मैं बात करता हूँ आपसे इस फोन की बैटरी एंड चार्जिंग की। तो आपको इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है और साथ में आपको 80W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है जो कि इस फोन को अराउंड 25 से 30 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर देता है। और ये रही चार्जिंग की रेटिंग्स आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और गाइस बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने इस फोन के अंदर अराउंड 10 घंटे के आसपास एपेक्स लेजेंड्स को खेला था। और इस फोन के अंदर बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए सेटिंग्स में जाके बैटरी के ऑप्शन में जाके बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से आप एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करके हर ऐप के लिए बैटरी को सेट कर सकते हैं, कैसे उसे पावर देनी है, स्टैंड बाय मोड सेट कर सकते हैं, ऐप को कैसे फ्रीज करना है वो भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपकी बैटरी बहुत धीरे धीरे चार्ज होगी रात को। बाकी ओवरऑल बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है और साथ में फास्ट चार्जिंग तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। गाइस मैं बात करता हूँ आपसे इस फोन की कनेक्टिविटी की। तो आपके अंदर वाईफाई वर्जन 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, GPS GLONASS और काफी एक्यूरेट GPS देखने के लिए मिलता है। मैं आपको मैप्स मैंने यूज करें इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और आपको 4G प्लस के नेटवर्क दिख रहे होंगे, आपको इसमें 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी देखने के लिए मिलता है और साथ में 5G का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। 5G के बैंड्स में यही कहीं मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर कि कितने देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस मैं बात करता हूँ आपसे इस फोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो आपको इसके अंदर लगभग सारे सेंसर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, 32 सेंसर्स अवेलेबल दिखा रहा है और आपको इसके अंदर 10 मल्टी
ग्रेविटी फिंगर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, यानी आप इसके अंदर गूगल कैमरा डाल के इसके कैमरा को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। और आपको इसके अंदर वाइड वन L1 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, यानी आप नेटफ्लिक्स के अंदर HDR कंटेंट को अच्छे से स्ट्रीम कर सकते हो। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ आपसे इस फोन के कैमरा की, तो आपको इसके अंदर ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है f1.79 अपर्चर के साथ। सेकंड आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने के लिए मिलता है f2.25 अपर्चर के साथ विद 119 फील्ड ऑफ व्यू के साथ। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने के लिए मिलता है जो कि बिल्कुल यूजलेस है। और फ्रंट के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर देखने के लिए मिलता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल छोटू सा है। और यही अगर मैं बात करूं आपसे इसके कैमरा रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट के अंदर आपको 1080p 60fps तक देखने के लिए मिलता है एंड बैक के अंदर भी आपको 4K 60fps तक देखने के लिए मिलता है। एक ये रहा कैमरा का सैंपल, आपके सामने ये जो बॉक्स है इसके कुछ ऐसे से कलर्स हैं और फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे से कलर्स दिखा रहा है। काफी हद तक ये नेचुरल फोटोज क्लिक करता है, मुझे कोई ज्यादा डुप्लीकेसी नहीं दिखी, बस ये थोड़ा सा कलर्स को बूस्ट और इनहेंस कर देता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से AI वाले बटन को ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे ऑन रखोगे तो काफी हाई डायनामिक रेंज वाली फोटोज को क्लिक कर लेता है। और गाइस वीडियो के अंदर आपको कोई OIS के लिए नहीं मिलता, सिर्फ EIS देखने के लिए मिलता है। तो हार्डवेयर वाइज आपको कोई स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। और ये रहे कुछ कैमरा के सैंपल्स आपके सामने स्क्रीन पर। गाइस अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, जो कि है इसका कॉन्क्लूजन। आखिर किन किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए, किन किन के लिए बना है और किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। तो मेरे सजेशन के हिसाब से ये फोन जिन लोगों को अच्छी डिस्प्ले, डिसेंट कैमरा, एक अच्छा बैटरी बैकअप और जिन्हें बिल्ड क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए ये फोन एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको इसके बैक पैनल और आपको साइड में प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने के लिए मिलते हैं और कैमरा इसका डिसेंट है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। तो गाइज यही था एक फाइनल वर्ड इस फोन के लिए। ये फोन मैं डायरेक्टली तो रिकमेंड नहीं कर सकता, बट ये फोन अब कंज्यूमर चॉइस बन जाती है जिन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा नहीं चाहिए और जिन्हें बिल्ड क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए ये फोन एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही टेक रिलेटेड वीडियोस और देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, फोन की अनबॉक्सिंग, लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और फुल डिटेल रिव्यू। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।